के साथ करेंगे जो बलरामपुर से है। दोहरे हत्याकांड मामले में एसआईटी गठित कर दी गई है, टीम में 9 सदस्य शामिल रहेंगे। तो बता दें कि 7 दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी और मंत्री राम विचार नेताम ने गृह मंत्री को इसके लिए पत्र भी लिखा है। तो नेताम ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। आपको बता दें कि 27 मई को जंगल में मिले थे 2 शव। तो ये बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें कि उच्च स्तरीय जांच की मांग इस पूरे मामले में की गई थी, जिसके बाद एसआईटी का गठन यहां पर कर दिया गया है। और एसआईटी टीम की बात की जाए तो 9 सदस्य इसमें शामिल होंगे जो इस पूरे मामले की जांच करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ब्रिजेंद्र जुड़ गए हैं, सीधा हम करेंगे। ब्रिजेंद्र, ये एसआईटी टीम का जो गठन किया गया है, कब से काम करना शुरू करेगी? जी बता दूं, बलरामपुर जिले में जो बीते 27 मई को हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में जो बजरंग दल के जो कार्यकर्ता थे उनके द्वारा जगह जगह पर चक्का जाम व मंत्री रामविचार नेताम का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद में मंत्री रामविचार नेताम से पत्र के माध्यम से इस मामले पर उच्च स्तरीय जांच की मांग भी किए थे, जिसपे पहल करते हुए जो छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम है विजय शर्मा, उनके द्वारा 9 सदस्यीय एसआईटी टीम की जांच की है, टीम का गठन किया है जो फिलहाल इस मामले पे अभी जांच करेगी। विजय शर्मा ने सख्त जो 9 सदस्य जो टीम है उनको सख्त निर्देश दिए हैं कि 7 दिवस के भीतर इस मामले पे पूरा जांच पड़ताल कर विस्तृत जो रिपोर्ट है उसे प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। जी ब्रिजेंद्र, ये जो एसआईटी टीम का गठन किया गया इसमें कौन कौन शामिल रहेगा? जी बता दूं, उस टीम में जो 9 सदस्य टीम जो गठन हुआ है इस पर जो पुलिस महानिरीक्षक प्रशासन पुलिस मुख्यालय रायपुर रत्ना सिंह, उप पुलिस अधीक्षक नक्सल ऑपरेशन सरगुजा मनकराम कश्यप, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी क्षेत्रीय न्याय वैज्ञानिक लैब सरगुजा पीएम भगत, साथ और भी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो शामिल रहेंगे इस मामले। नजरे आप बनाए रखिएगा ब्रिजेंद्र, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, दोहरा हत्याकांड जिसमें एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया और अब ये टीम 7 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी।